सरकार शिक्षकों का घर जलाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड जला के अपना घर बचा लेंगे। 48 घंटा का सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, 48 घंटे के बाद फिर हम लोगों की बैठक होगी और हम लोग अब विराट आंदोलन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहेगा हम लोग को रोक पाने का। सरकार ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया था, बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और हमारी जो 8 सूत्री मांग थी उसको अभी तुरंत पूरा करें। किसी भी परिस्थिति में किसी के बहकावे से किसी के डराने से परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है। ऐच्छिक स्थानांतरण के खिलाफ भी साजिश रच रही है। अभी बयान आ रहा है कि रिक्ति होगा तब आपको वहाँ जिस जिला में आप जाना चाहते हैं नहीं रिक्ति है तो आप जिस जिला में ऑप्शन दिए उस जिला में ना दे करके आपको कहीं और भेज देंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की नाराजगी बीते कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग का जब फरमान आया कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना है तो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। शुरू में 3 ऑनलाइन मौके देने की बात कही गई, लेकिन भारी विरोध हुआ तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2 अन्य मौके ऑफलाइन देने की भी बात कही। लेकिन नियोजित शिक्षकों का गुस्सा नाराजगी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो क्या जिंदगी भर परीक्षा ही देते रहेंगे, क्योंकि उनके तरफ से ये मांग की गई थी कि बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सक्षमता परीक्षा ने पूरे मामले को बिगाड़ कर रख दिया है। 26 फरवरी कल सोमवार के दिन परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले आज रविवार को राज्य भर में नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिन शिक्षकों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो आज उसे जलाकर वो सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले हैं। और इस संबंध में जो शिक्षक संघ के नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। देखिए, सरकार शिक्षकों का घर जलाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड जला के अपना घर बचा लेंगे, क्योंकि ये सरकार की नीति कहीं से भी उचित नहीं है। और आज निर्णय है कि पूरे जिला में सभी जिला में शिक्षक जो गुमराह होकर के फॉर्म भर चुके हैं वो अपना एडमिट कार्ड जला करके सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। सरकार ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया था, बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और हमारी जो 8 सूत्री मांग थी उसको अभी तुरंत पूरा करें। हम लोग 48 घंटा का सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, 48 घंटे के बाद फिर हम लोगों की बैठक होगी और हम लोग अब विराट आंदोलन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहेगा हम लोग को रोक पाने का, इसलिए 48 घंटे का समय है। सरकार तत्काल परीक्षा को स्थगित करे और जो लोग भी दक्षता परीक्षा पास हैं, सक्षमता परीक्षा पास हैं, उनको बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा दे। यही निर्णय आज के बैठक में है कि 26 फरवरी को आप लोग परीक्षा नहीं दे रहे। नहीं, जो लोग को गुमराह किया ना, सरकार के स्तर पे गुमराह किया गया, जो लोग भरे हैं वो लोग खुद हम लोग को आज बैठक करने पर विवश किए हैं कि हम नहीं देना चाहते हैं, हम गलती से फॉर्म भर दिए। तो वो सब लोग अपना वीडियो जारी कर करके हम लोग के पास भेज रहे थे कि हम एडमिट कार्ड जला दे रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके भावना को समझते हुए उनको भूल सुधारने का अवसर देने के लिए हम लोगों ने आज निर्णय ले लिया कि कल सभी लोग अपना एडमिट कार्ड जलाइए। किसी भी परिस्थिति में किसी के बहकावे से किसी के डराने से परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है। सरकार हमारी जो मांग है, बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा दे और हमको राजकर्मी का तमाम सुविधा दे। ऐच्छिक स्थानांतरण के खिलाफ भी साजिश रच रही है। अभी बयान आ रहा है कि रिक्ति होगा तब आपको वहाँ जिस जिला में आप जाना चाहते हैं नहीं रिक्ति है तो आप जिस जिला में ऑप्शन दिए उस जिला में ना दे करके आपको कहीं और भेज देंगे तो मेरा घर ही ना जला देगा। तो इससे बढ़िया है कि शिक्षक अपना एडमिट कार्ड जला करके अपना घर को बचाने का प्रस्ताव आज पारित कर दिए। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो शिक्षक संघ के नेता हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी का के दर्जे के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात हुई थी, लेकिन सक्षमता के जरिए उन्हें निशाने पर रखा जा रहा है, किस प्रकार से बेघर करने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि बिहार में अभी विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, दोनों ही सदनों में के पाठक को लेकर भी खूब चर्चा छिड़ी हुई है, बवाल होता दिखाई दे रहा है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता के पाठक के खिलाफ एक पन्ने पर नजर आ रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है वो के पाठक के ही पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात जो है उस पर भी सरकार लगातार गोलमोल जवाब ही दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन अब नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी अड़े हुए हैं और आज जो है राज्य भर में वो विरोध प्रदर्शन करेंगे सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड जलाकर। ये बातें शिक्षक संघ के नेता के तरफ से कही गई, अभी आपने भी ये सुना है, क्या कुछ आप इस पर राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।